नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काविंद्र चौहान। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट में विस्तार किया जा रहा है, जिसपे 7 मंत्री थोड़ी ही देर में शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री इसमें शपथ लेंगे, जिनके नामों की जो चर्चा निकलकर अभी तक सामने आई है उनके नामों से आपको एक बार रूबरू करा देते हैं। जितिन प्रसाद, छत्रपाल गंगवार, पलटूराम, दिनेश खटिक, कृष्णा पासवान, संकीता विंद जैसे नेताओं के नाम शामिल है। तो इन लोगों के नाम की चर्चा है, जो कि अभी कुछ ही देर में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो योगी कैबिनेट का विस्तार होने को है, जो आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों में शुमार है। तो योगी कैबिनेट, योगी मंत्रिमंडल में थोड़ी ही देर में विस्तार होने जा रहा है। तो यह बड़ी खबर इस समय लखनऊ से आ रही है, जहां पर थोड़ी ही देर में योगी कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ राजभवन के लिए निकल चुके हैं और जितिन प्रसाद, संजय निषाद MLC बनेंगे। 4 MLC के नाम फाइनल हुए हैं जो अब मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गोपाल और अंजान भी MLC बनाए जाएंगे, वीरेंद्र गुर्जर भी MLC बनाए जाएंगे। इनके नाम की भी चर्चा आ रही है कि कौन कौन MLC बनाया जाएगा। इसके साथ ही 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेने से पहले और कैबिनेट विस्तार से पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ना भ्रष्टाचार होगा और ना भ्रष्टाचार होने दिया जाएगा, सरकार की नीति और नियत साफ है। तो क्या कैबिनेट विस्तार की इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जी जुड़ गई हैं लखनऊ से सीधे। रूबी जी, वहां पर लखनऊ में अभी आप हैं, वहां पर क्या कुछ हलचल है? राजभवन से अभी सीधी जो जानकारियां हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रही हैं? कविंद सिंह, सबसे पहले बता दूं कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगभग 6 बजे से लेके 6:15 के बीच में तैयारियां बिल्कुल अपने तरीके से तैयार हो चुका है। राजभवन बिल्कुल तैयार है और 7 कुर्सियां लगा दी गई हैं जो 7 लोग शपथ ग्रहण करेंगे। गवर्नर बाहर थी, गवर्नर भी आ चुकी हैं और इसके साथ ही साथ थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी खुद पहुंचने वाले हैं और जिनमें सबसे पहले जो नाम है, यानी कि जो सबसे पहले जो सीट रखी गई है, उसमें जितिन प्रसाद बैठेंगे। उसके बाद संगीता बीद हैं, गाजीपुर से हैं, धर्मवीर प्रजापति हैं आगरा से, और उसके बाद पलटू राम। आप ये समझ सकते हैं कि 7 जो कुर्सियां हैं वो नाम के साथ पूरा तरीके से लगा दी गई है कतार में। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे थोड़ा ही कम समय बचा है जिसमें मुख्यमंत्री आएंगे और गवर्नर आएंगे और जो बैंड है उसकी भी तैयारी हो चुकी है और राष्ट्रीय गान के साथ साथ शुरुआत की जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो गवर्नर हाउस है, इस टाइम देखने का माहौल है कि काफी सजा धजा है और बिल्कुल तैयार हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जी बिल्कुल। और रूबी जी, ऐसा होता है कि चुनावों से पहले जिस तरीके से सरकारें जब कैबिनेट में विस्तार करती हैं, तो यहाँ पर कई दफा देखा जाता है कि जाति के समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाती है, यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं, क्योंकि जो भी 7 लोगों के नाम निकल के आए हैं उनमें सबसे पहले देख सकते हैं जितिन प्रसाद है वो ब्राह्मण, संगीता भी की अगर हम बात कर रहे हैं OBC मल्ला, यानी कि धर्मवीर प्रजापति की अगर हम बात करते हैं वो भी OBC यानी कि कुम्हार में आते हैं, और पलटू राम बलरामपुर से जो है वो SC है OBC है, और दिनेश खटिक मेरठ से जो है वो भी दलित है। यानी कि कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि सारे चेहरों को लिया गया है, यानी कि ब्राह्मण के साथ साथ OBC SC ST सारे लोगों को लिया गया है। तो जो 7 चेहरे होंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे कुछ ही देर में, वो जाति या ये कह सकते हैं सदा हुआ बिल्कुल जो नाम था पहले से जो कयास लगाया जा रहा था, जिनमें ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण भी हो सकते हैं, OBC भी हो सकते हैं, SC ST भी हो सकते हैं, तो वो नाम बिल्कुल अब क्लियर हो चुके हैं और वो नाम थोड़ी देर के अंदर में या फिर शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा। जी बिल्कुल रूबी जी, तो ये लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल चल रही है जहां पर। इसके साथ ही रूबी जी, एक और सवाल है कि विस्तार ही किया जा रहा है या फिर काट छाट भी चल रही है, मतलब कोई पुराना मंत्री है जिसकी छुट्टी की जा सकती है? देखिए, शुरुआत से ये कयास नहीं लगाया जा रहा था कुछ लोगों के नाम हटेंगे, लेकिन अभी तक ये सूचना यही मिल रही है जो 7 नाम है उन पे ही मुहर लग चुकी है और अभी तक कोई और नाम ना काट अभी मेंशन किया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जो 7 नाम निकल के आए थे, यानी कि बहुत जल्दबाजी में ये नाम निकल के आए, क्योंकि हाल ही में अभी धर्मेंद्र प्रधान आए थे लखनऊ में और 2 दिन उन्होंने यहाँ पे एक मंथन किया था और उसके बाद निषाद पार्टी से हाथ मिलाया था और उसके बाद इस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है
तो समय कम है, यानी कि अब इसके बाद कयास ये भी है कि जो जगह अभी खाली बची है उनको लेकर भी मंत्रियों का बगाहट से ये मची हुई थी कि कहीं ना कहीं उनको भी एक जगह दी जाएगी। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे थे जिनको इस बात का डर भी था उनकी कुर्सी जा सकती है, लेकिन उन चीजों पर विराम लग चुका है और अब जो 7 लोग हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं और उनको पहले ही से, यानी कि रात में ही उनको आमंत्रण दे दिया गया था। वो लखनऊ में आज सुबह से ही थे, बस गवर्नर का इंतजार हो रहा था कि गवर्नर कब आएंगे लौटेंगे, और 1 बजे 1.5 बजे के अंदर में गवर्नर, जैसे ही गवर्नर हाउस पहुंचती है उसके बाद ही तैयारियां बिल्कुल शुरू हो जाती है। और जो अधिकारी छुट्टी पे थे उनकी, उन अधिकारियों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाता है और जल्दबाजी में आज देखा जा रहा है कि इस तरीके से शपथ ग्रहण कराया जाएगा। बिल्कुल, और लखनऊ में इस वक्त आपको क्या लगता है कि कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होने जा रहा है, कितनी देर में मंत्रियों की शपथ जो है वो शुरू हो जाएगा कार्यक्रम? 6 से 7 के बीच में समय दिया गया था, बस थोड़ी देर के अंदर में बताया ही जा रहा है, बस थोड़ी देर के बाद ही बस शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर पहले से मौजूद है, बस सीएम भी पहुंच चुके हैं और जो मेहमान है यानी कि आगे पीछे जितने भी मंत्रीगण हैं उनकी कुर्सियां सजी हुई है और जो जो लोग शपथ लेंगे वो भी मौजूद है। मुख्यमंत्री जी अभी पहुंचे हैं कि नहीं जी? रूबी जी, मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं? कावे जी, अभी मुख्यमंत्री बस थोड़ी देर के समय बताया गया है, बस रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि तो समय जो निश्चित किया गया है उसके आधार पर कार्यक्रम को शुरुआत की जाएगी। हालांकि थोड़ी देर जरूर हो रही है क्योंकि 6 बजे का पहले समय बताया गया था, लेकिन अब जो समय है उसमें बताया ये जा रहा है कि 6 से अब 6:15 हो चुका है और ऐसे में यहाँ पे जो तैयारियां हलचल तेज हो चुकी है और अंदाजा यही है कि गवर्नर हाउस के मेन गेट तक सीएम आ चुके हैं। जी ठीक है, तो रूबी जी आप लखनऊ में हैं इस वक्त, इस पूरी कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो लखनऊ में ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पर कुछ ही देर में किसी भी वक्त किसी भी समय मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता रहे कि 7 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें 6 मंत्री राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे और 1 कैबिनेट पद की शपथ लेंगे। तो लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है कुछ ही देर में। आपको बता दें कि समय दिया गया था कि 6 बजे के बाद किसी भी वक्त कैबिनेट विस्तार का जो पूरा कार्यक्रम है, जो शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंतव्य के लिए निकल चुके हैं, वो लखनऊ राजभवन के लिए निकल चुके हैं। इसके साथ ही जिन 7 नामों की भी चर्चा की जा रही है उसमें जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल है, क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, जब से जितिन प्रसाद बीजेपी में आए थे तभी से कयास थे कि उनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीते 11 सितंबर को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जन सुनवाई पोर्टल पर कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। परिजनों का आरोप था कि 11 सितंबर की रात को उनके बेटे की तबियत खराब होने पर उसे इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी लेकर गए थे, जहां उसे खून की जरूरत पड़ी, लेकिन शराब के नशे में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे और खून न मिलने के कारण उनके बेटे की मौत हो गई। लेकिन अब जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करना पीड़ित महिला पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात डॉक्टर विवेक चौधरी लगातार पीड़ित महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। शिकायत वापस ना लेने पर डॉक्टर परिवार को धमकी दे रहे हैं और धमकी देते हुए कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भी भेज सकते हैं। तो ये पूरा मामला इटावा का है, जहां पर महिला ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार अब SSP डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से लगाई है। तो इटावा का ये पूरा मामला है जहां पर जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करना एक महिला को भारी पड़ गया है और आरोपी डॉक्टर लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो आपको फर्जी मुकदमे में फंसाकर वो जेल भेज देंगे। बच्चे के ब्लड कैंसर था, सैफई मेडिकल में मैं उसका ब्लड चेंज करवाती थी, हर महीने चढ़वाती थी। तो वहाँ पर इस बार ले गए तो डॉक्टर ने चढ़ाया नहीं, तो जब मैंने कहा कि चढ़ा दो तो झगड़ा करने लगे वहाँ पर, झगड़ा किया तो रात में बच्चे की आधी रात पर मौत हो गई बच्चे की। तो उन्होंने मतलब कुछ डॉक्टर ने कुछ सुनाई दुनाई नहीं करी वहाँ पर, डॉक्टर दारू भी पिए थे वहाँ पर डॉक्टर ने, तो वहाँ पर कुछ सुनाई नहीं करी। इतने मेरा रात 12 बजे के बीच में रात में मौत हो गई उस बच्चे की। वहीं बलरामपुर में किसानों के करोड़ों रुपए डकार कर बैठी बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल लिमिटेड की इटई मैदा यूनिट पर अब जिला प्रशासन का हंटर चला है।
बजाज चीनी मिल ने 2020 से 2021 के बीच लगभग 80,000 से ज्यादा किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया है और चीनी मिल पर लगभग 135 करोड़ रुपए बकाया है। ग्राम महरी के किसानों ने इसको लेकर डीएम से भी गुहार लगाई थी और अब पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम ऋतु के आदेश पर अतरौला एसडीएम नागेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ चीनी मिल पहुंचे और लाल झंडा लगवाकर संपत्ति कुर्क की है, जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है और प्रशासन की ओर से सीधे आदेश दिए गए हैं कि अगर जल्द से जल्द किसानों का भुगतान नहीं किया गया तो आगे और ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो बलरामपुर का यह पूरा मामला है जहां पर बजाज चीनी मिल की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बजाज शुगर मिल उठी मैदा उथरौला तहसील के अंतर्गत गन्नायुक्त महोदय के यहाँ से आरसी 1,134 करोड़ की जारी हुई थी, जिसके क्रम में नोटिस देने के बाद निर्धारित समय में धनराशि न जमा करने के कारण उठी मैदा चीनी मिल के जो उनके 94,000 क्विंटल चीनी और जो उसमें सीरा तथा साथ ही साथ जो उनके फैक्ट्री से लगे हुए 11 गाटे थे जिनकी औसतन कीमत 2,99,00,000 रुपये है, इसको कुर्क किया गया है तथा फैक्ट्री को नोटिस दी गई है कि नियत समय के अंदर वो किसानों के अवशेष का भुगतान कर दें अन्यथा इसके बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने का कुर्की हुई होगा? लगभग 50 करोड़ रुपये की कुर्की अभी की गई है और आगे भी नियमानुसार कार्रवाई। सिद्धार्थनगर के विकासखंड बर्डपुर में होम्योपैथिक अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एक नजर में यह अस्पताल लगता ही नहीं है। अस्पताल में आने जाने का ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई जाने का द्वार। जल निगम द्वारा बनाई गई बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल के डॉक्टरों को भी पीने के लिए घर से पानी लाना पड़ता है। मरीजों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, न खान की न पान की। अस्पताल में कहीं भी बोर्ड या बैनर नहीं लगा है जिससे पता लग सके कि ये दरअसल अस्पताल है। अस्पताल में खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए हैं। वहीं प्रशासन ने इस पूरे मामले पर मौन धारण किया हुआ है। होम्योपैथिक प्रभारी ने बताया कि कई बार शिकायत की गई है लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। वहीं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद इसका निवारण किया जाएगा। रास्ते में पानी भरा हुआ कीचड़ है तो इसलिए हम लोग ईंटा जोड़वा दिए थे उसमें, उसी से मरीज भी आते थे, उसी से हम लोग भी आते थे। इसकी सूचना दी गई वीडियो साहब को, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका काम करा दिया जाएगा। खिड़कियाँ नहीं हैं, टूटे हुए हैं, कोई चोरी होती है, कुछ होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके लिए सर शिकायत लिखी गई डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ने डीएम साहब को दिया, बार बार शिकायत दी गई लेकिन अब तक इसके बारे में कोई कार्रवाई हुई नहीं है सर। तो मरीज आखिर यहाँ आएंगे कैसे जब रास्ता नहीं? अब मरीज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है सर, पता लगा जेंट्स हैं वो तो आ सकते हैं लेकिन अगर लेडीज़ को लाना और मरीज हमेशा बीमार की स्थिति में होता है उसके लिए तो आवागमन अस्पताल तक होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके गेट तक होना चाहिए कि सीधे मरीज को लाया जा सके। मैं उस अस्पताल का कई बार निरीक्षण किया हूँ और उस समस्या से मैं वाकिफ हूँ और इस समस्या का उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लाया गया है उस समस्या के बारे में, और बरसात के बाद उसका निराकरण हो जाएगा और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। क्या नाम है सर, क्या पद है आप? मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी। वहीं लखीमपुर खीरी के मैलानी बफर जोन की मोरेना बीट में गोला जंगल किनारे एक 3 वर्षीय बाघिन का शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने बाघिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चलें कि बीते 2 साल में कई बाघों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है लेकिन वन विभाग की अभी तक नींद नहीं खुली है। वहीं मौके पर पहुंचे फील्ड डिप्टी डायरेक्टर संजय पाठक ने सड़क दुर्घटना या फिर बाघों के मिलन को मौत का कारण बताया है। तो लखीमपुर खीरी से खबर है जहां पर 3 साल की बाघिन की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं जहां पर बाघिन की या बाघ की संदिग्ध अवस्था में मौत होना पता लगा है। ये एक दुर्घटना घटी है यहां पे, ये जो गोला किले रोड जा रही उसके किनारे ही एक टाइगर है जो लगभग मैं कह सकता हूँ कि सब एडल्ट स्थिति में है, अर्थात 2 साल से नीचे का ही दिख रहा है, फीमेल टाइगर है।
उसकी डेड बॉडी मिली है, तो जैसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम लोग पहले उसको अवैध शिकार का प्रकरण मानते हुए जांच करते हैं। तो ये पाया गया है कि अभी कुछ भी जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं सारे इंटैक्ट हैं, तो कोई भी इस तरह का फाउल प्ले तो रूल्ड आउट है। लेकिन अभी जो संभावना जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रही है, या तो ये रोड एक्सीडेंट का मामला हो सकता है, यह हो सकता है कि कोई मेल टाइगर से जो मेटिंग की घटना में जिस तरह से हताहत होते हैं ये फीमेल टाइगर, क्योंकि इसकी उम्र कम है, तो उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शेष जानकारी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगी। सर कितने डॉक्टर गलत का पोस्टमार्टम करेगा? हाँ, जो NTCA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कम दो मतलब वेटनरेरियन होने चाहिए, जिसमें एक तो मतलब जो टाइगर रिजर्व का वेटनरेरियन होता है, एक बाहर का होता है। तो तब भी हम लोग जो है तीन बेड्स का पैनल बनाएंगे, या हो सकता है अभी मतलब जैसा हमारे उच्च अधिकारी तय करेंगे उस हिसाब से IGRU भी ले आ सकते हैं। जालौन के कालपी में दरगाह पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच यह विवाद हुआ, जिसमें गोली भी चलाई गई। दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस बीच दबंग गोली चलाते हुए दरगाह के अंदर घुस गए। बताया जा रहा है कि खानकाह शरीफ दरगाह पर कब्जा करने के लिए हमलावर यहां आए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो दर्जन से अधिक हमलावरों को गिरफ्तार किया है। तो जालौन की तस्वीरें हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से दरगाह पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक पक्ष ने बाकायदा तमंचा भी लहराया। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोली भी चलाई गई है। तो दरगाह पर कब्जे को लेकर यह वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जहां पर दो दर्जन से अधिक लोग एक साथ एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक युवक किस तरीके से तमंचा लहराते हुए भी नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बाद में पुलिस ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए दो दर्जन से अधिक हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज दिनांक 26/9/21 को लगभग 11 बजे दिन में खानकाह शरीफ कालपी में नई कमेटी के लोग जो गयासुद्दीन जी के सम्राट थे, उन लोगों ने पुरानी कमेटी के जो ताले वगैरह थे उसको तोड़ कर दिया और अंदर वो प्रवेश कर गए, जिसका पुरानी कमेटी के कुछ लोगों ने विरोध किया। उसमें आपस में झगड़े की स्थिति हुई, तत्काल पुलिस पहुंच गई मौके पर और स्थिति को शांति व्यवस्था कायम की। सर हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो तुरंत कार्रवाई की। फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ है, वो क्या है? वो संज्ञान में आएगा तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे बवाल में कितने लोग घायल हुए? अभी जानकारी नहीं है, अभी पता कर लिया जाएगा कितने लोग, दो चार लोग गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हुए। 10-15 लोग अभी यहाँ से भेजे गए, बाकी और जो लोग संबंधित हैं जो यहाँ से भाग गए थे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब्जा करना चाह रहे थे क्या लोग? नई कमेटी थी जिनका बवाल जो है चल रहा हुआ है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में, तो वहाँ से निर्देशित न करा के वो लोग जो कहने की यहाँ पे कब्जा करना चाह रहे थे। सर कमेटी वालों का है कि कई बार वो GM और PO स्तर पे भी जी वो आए थे, हम लोगों ने उनसे मीटिंग दोनों कमेटियों के ली थी, लेकिन मामला दोनों में समझौता नहीं हो सका तो हम लोगों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रेफर करा दिया था। तो वहीं अगली खबर गोंडा से है, जहां जिले में लगातार वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों के एडमिट होने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। जिला अस्पताल की OPD में 100 के करीब पेशेंट रोज आ रहे हैं, मगर अगर बात की जाए जनवरी माह से लेकर अब तक की तो फिर जिले में कुल 13 डेंगू के एक्टिव मरीज पाए गए थे। वहीं सितंबर के माह में अब तक वायरल फीवर के 881 केस आए हैं, जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग वायरल फीवर और डेंगू से बचने के लिए डेंगू वार्ड बनाकर जांच के साथ उचित मेडिसिन दे रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुखिया राधेश्याम केशरी ने कहा है कि कोई गंभीर स्थिति नहीं है, सभी को सामान्य रूप से बुखार के लक्षण हैं जो कि लगभग 2-3 दिन में ठीक होते जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर डेंगू वार्ड भी बना दिया गया है। इस समय जिले में डेंगू के एक्टिव केस 0 हैं और ना ही डेंगू से किसी की मौत हुई है। तो गोंडा का यह पूरा मामला है जहां पर वायरल फीवर का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके यहां पर भर्ती होने का सिलसिला जारी है। सर अगर पिछले इसी महीने के पिछली 1 तारीख से लेकर के अब तक की बात करी जाए तो लगभग 65 फीवर के मरीज, जो जिसमें ले बच्चे भी शामिल हैं 15 साल से कम के भी और 15 साल के ऊपर के भी, उन सबको हुआ है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारे लैब में टेस्टिंग होती है जो डेंगू की, टाइफाइड की, मलेरिया की और अदर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसमें किसी भी केस में कोई डेंगू रिपोर्टेड नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिंपल वायरल फीवर में दिया जाता है, हफ्ते भर के अंदर वो रिकवरी कर जाता है। साथ साथ हम लोग कोविड का टेस्ट भी करा रहे हैं हमेशा से, जब से शुरू है तब से अब तक बंद नहीं हुआ है, तो उसमें भी निगेटिव आ रहा है। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि कोविड भी निगेटिव है और हमारे यहाँ अभी तक कोई डेंगू पॉजिटिव नहीं मिला है, और एडमिशन का इशू नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है, तो उसको उस समय के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक के लिए उसको भर्ती रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं ओरल मेडिकेशन पे। बुखार के कुछ केसेस बढ़े जरूर हैं लेकिन इतना नहीं कि चिंताजनक है, और इस महीने अब तक 881 बच्चों में, इनकी उम्र 15 साल से कम है, बुखार का लक्षण देखने को मिला तथा 1725 बड़े लोगों में बुखार के लक्षण आए। इन बुखारों में ज़्यादातर सामान्य बुखार हैं और 3 से 5 दिन में ये बुखार अपने से ठीक होने वाले हैं। बाकी जहाँ तक विशेष बुखारों का सवाल है, हम लोगों ने जांच के दौरान डेंगू के 10 केसेस तथा चिकनगुनिया के 1 केस और जेई और एईएस के कोई भी केस यहाँ नहीं मिले हैं। देवबंद के रणखंडी स्थित पंचायत भवन में कहासुनी के बीच फायरिंग की गई। फायरिंग में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लग गई। फायरिंग में घायल हुए संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में एक बारात घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। इसी बारात घर में वो मौजूदा प्रधान के साथ काम करने के लिए गया था, जहां गांव के पूर्व प्रधान और उनका भांजा बारात घर में पहले से ही मौजूद थे। गेट के बाहर ताला बंद था। जैसे ही उसने ताला खोलने का प्रयास किया तो पूर्व प्रधान ने गोली चला दी जो उनके हाथ में जा लगी। इसके बाद पूर्व प्रधान पंचायत भवन की छत पर चढ़ गए और वहां से भी फायरिंग करते रहे। घटना के बाद संजय कुमार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। हमारे यहाँ पे बारात घर है, सरकारी जमीन है, हम वहाँ पे कार्य करने गए थे। प्रधान जी जो मौजूदा है हमारे, वो साथ में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो भाई बारात घर में कुछ कार्य करेंगे। सभी गांव वालों का सहयोग था, तो वहाँ पे जो पहले प्रधान थे पूर्व दिनेश फौजी और उनका भांजा, वो दीवार कूद कर पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे, बाहर से गेट बंद था। तो मैं जैसे ही ताला खोलने गया तो हमारे प्रधान जी तभी आए, मैं फौजी साहब कहने भाई गेट ना खोल दिए वरना गोली मार दूंगा मैं तेरे, ये नहीं मेरे पास में चाबी ताला। मैंने जैसे ही ये ताला खोला उन्होंने सीधी मेरे पास फायर छोड़ गोली चला दी मेरी बाजू में गोली लगी। फिर उसके बाद में वो छत पे चढ़ गए, फिर वहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की जिसकी पब्लिक के ऊपर और जिसकी हमारे पास वीडियो प्रूफ की है। अच्छा ये बताओ आप लोगों का सारे गांव वाले हैं क्या मांग है, आप लोग भी यहाँ थाने में क्या मांग लेकर आए आप लोग? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें न्याय मिले। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले सहारनपुर पहुंचे, जहां उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए आज से बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस यात्रा के शुभारंभ पर जनमंच सभागार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान रामदास अठावले ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार बिल में बदलाव करने को तैयार है लेकिन किसान हैं कि अपनी जिद पर अड़े हैं। वहीं धर्मांतरण मामले को लेकर अठावले ने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो वह अलग बात है, लेकिन अगर किसी को पैसों का लालच देकर या जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। काम कर रही है लेकिन इसी तरह का भारत विरोधी कोई भावना पैदा करना अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होना चाहिए। और ओबीसी कितनी भी सीटें खड़ी करे लेकिन उसका कोई हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बीजेपी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो वोट लेंगे वो उसमें कांग्रेस का सपा का नुकसान होगा, उसमें बीजेपी का बिल्कुल नुकसान होगा नहीं। आपको क्यों लगता है कि सोनिया गांधी को 2014 में प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा बोला कि मुझे एक पत्रकार ने पूछा था तो मैंने बोला कि तब मैं उनके साथ था, मैं यूपीए में साथ था,
तो सब मैंने मेरी भूमिका रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये था कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। अगर सोनिया गांधी को नहीं बनना है तो मनमोहन सिंह के बजाय अगर शरद पवार को अगर प्रधानमंत्री बनाते थे तो कांग्रेस पार्टी का आज जो इतना नुकसान हुआ है उतना नहीं होता था। तो रामदास अठावले आज सहारनपुर पहुंचे, आपको बता दें कि अठावले सहारनपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने पहुंचकर कई विषयों पर बातचीत की, कई विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर अगर किसी के मन में ये ख्याल है कि जबरन वो धर्मांतरण करा सकता है या फिर पैसों का लालच देकर अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो वो सरासर गलत है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही रामदास अठावले ने सहारनपुर पहुंचकर एक और बात कही, उन्होंने जिक्र किया कि किसान जो हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अगर वो अपनी जिद पर ना अड़े तो कुछ हो सकता है क्योंकि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। तो रामदास अठावले की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां आज वो सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर पहुंचकर उन्होंने कृषि के मुद्दों पर भी बात की और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो बनकर निकला है धर्मांतरण का, उस पर भी बात की। उन्होंने कृषि के मुद्दे को लेकर कहा कि सरकार जो है वो किसानों से बातचीत को तैयार है लेकिन किसान जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि लालच देकर या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराना गलत है और इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज योगी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में हो रहा है और इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा के नेता जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। इसके अलावा पलटू राम ने भी शपथ ली है, छत्रपाल गंगवार ने भी शपथ ली है, संजीव कुमार ने शपथ ली है, संगीता बलवंत विंद ने शपथ ली है, दिनेश खट्टिक और धर्मवीर प्रजापति ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि धर्म सिंह प्रजापति ने शपथ ले ली है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो आज हो रहा था सबसे बड़ी खबर थी लखनऊ की, आपको बता दें कि विस्तार कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही छत्रपाल गंगवार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें कि पलटू राम ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो योगी कैबिनेट का विस्तार जो आज सुबह से ही सबसे हीटिंग मुद्दा था उत्तर प्रदेश का, तो आपको बता दें कि कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब सात मंत्रियों ने शपथ ले ली है। जितिन प्रसाद बार बार इनका नाम निकलकर सामने आ रहा था और जून जब से ये शामिल हुए थे बीजेपी में तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा जा सकता है, तो आज जितिन प्रसाद ने भी कैबिनेट मंत्री के पद पर शपथ ले ली है। कुल सात लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो सुबह से जारी कयासों के बीच आपको बता दें कि सात मंत्रियों ने शपथ ले ली है, कार्यक्रम पूरा हो चुका है। जितिन प्रसाद पलटू राम समेत तमाम नेता मंत्री अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और इसी के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।